तो गाइस इस चैनल पर ये एक पहला वीडियो है जब मैं एक नया फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो करूंगा और साथ में इस फोन का सारा डिटेल्स बताऊंगा, मतलब Redmi Note 8 Pro के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मैंने 15 तारीख को ऑर्डर किया था और ये 17 तारीख को मुझे डिलीवर हो गया है और ये 6GB और 128GB का वेरिएंट है। तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है और फ़ोन कैसा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था इलेक्ट्रिक ब्लू और देखने में तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए अनबॉक्सिंग एक बार करते हैं। और ये रहा फ़ोन का इनवॉइस और यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि ये 6GB और 128GB का वेरिएंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपको वेरिएंट का लिखा होगा 6GB 128GB और यहाँ पर Alexa इनबिल्ट है और यहाँ पर कुछ आपको पीछे की तरफ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे बैटरी वगैरह कैमरा वगैरह के बारे में, लेकिन प्राइस नहीं दिया है और यहाँ पर मेड इन इंडिया का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं Alexa बिल्ट और यहाँ पर कुछ भी और नहीं है डिटेल्स के बारे में, है स्टोरेज और रैम के बारे में। और सामने में बॉक्स जो कलर दिया गया फोन का वो व्हाइट, अंदर में आपको इलेक्ट्रिक ब्लू ही मिलेगा। और निकालते हैं फोन को और कैसा मिलता है फोन, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर फोन के बॉक्स को ओपन करने के बाद एक आपको छोटा सा बॉक्स मिलता है और ये बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको एक यूजर मैनुअल और ट्रांसपेरेंट कवर आपको मिल जाएंगे। ये एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट कवर है, इसको आप लगा भी सकते हैं, मैंने तो एक ऑर्डर किया है, जब तक नहीं आता उसको लगाकर रख सकते हैं। और ये रहा अपना Redmi Note 8 Pro और इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इस फ़ोन का। तो चलिए इस बॉक्स में देखते हैं कि और क्या आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको USB A2C केबल मिल जाता है और उसके बाद अगर हम देखें बॉक्स में तो और कुछ आपको नहीं मिलता। एक चार्जर मिलता है जिसका आउटपुट 18 वाट का होगा। और अगर हम बात करें फ़ोन के बारे में तो फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन मिल जाता है फ्रंट में भी और रियर में भी। तो ऐसे तो फ़ोन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हम बात करें इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो राइट साइड में आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर का भी बटन मिल जाता है। और अगर हम बात करें फ़ोन के ऊपर की तरफ तो वहाँ पर आपको एक सेकेंडरी माइक एंड आयर ब्लास्टर आपको मिल जाता है। और इस फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको दो अलग अलग ट्रे मिलता है जहाँ पर आपको ट्रिपल स्लॉट का जगह मिल जाएगा, मतलब आप दो नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। और अगर इस फ़ोन के नीचे की तरफ बात करें तो हेडफोन जैक आपको मिल जाता है और USB C पोर्ट मिल जाता है और प्राइमरी माइक्रोफोन के साथ साथ आपको स्पीकर भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ फोन भी दिखने में अच्छा है और कोई भी इसका लुक के बारे में कोई भी बुराई नहीं है। और उसके बाद आते हैं Redmi Note 8 Pro के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको एक डॉट नॉच भी मिलता है और उसके अंदर आपको एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलता है। बहुत सारे फोन में नहीं होते और उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है अगर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको मिलता है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है और उसके साथ में आपको Redmi Note 8 Pro में MIUI 10.4.2 MediaTek G90D प्रोसेसर ऑक्टाको सेटअप में आपको मिलता है। और इस फोन का मतलब Redmi Note 8 Pro का CPU GPU AI कमाल का है। और अगर हम बात करें Note 8 Pro के GPU के बारे में तो क्वाड कोर सेटअप के साथ आता है, बेस्ट फॉर गेमिंग है, 6GB 128GB का ये फोन का वेरिएंट है और आपको गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से खेल सकते हो PUBG वगैरह, बिल्कुल आराम से चलेगा इस फोन में। तो किसी भी फ़ोन का अगर बैटरी अच्छा नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसमें आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है और स्टोरेज आपको UFS 2.1 बेस मिलता है और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलता है। अगर हम बात करें इस फोन के सिक्योरिटी के बारे में पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पर मिल जाएगा और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम बात करें प्राइस के बारे में तो वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस होगा, नीचे में प्राइस डाल दूंगा आप देख लेना। और अब हम बात करते हैं कैमरे के बारे में, क्योंकि कैमरे के बारे में डिटेल्स में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो बताया गया कि बहुत अच्छा कैमरा होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और इसमें आपको कुछ सैंपल भी मिल जाएंगे तो आप देख लेना कि कैमरा कैसा रहेगा। तो Redmi Note 8 Pro में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है और 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, उसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलता है। और उसके साथ साथ Redmi Note 8 Pro 960fps पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा और साइड में आपको LED फ्लैश भी मिलता है। मैं आपको पहले बता दिया था कि बैक पैनल पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो ये रहा इस फ़ोन से क्लिक करे हुए कुछ पिक्चर, आप देख लीजिए कि कैसा इसका कैमरा है।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत थैंक यू।